एक बार श्री जन्मेजय जैमुनि ऋषि के साथ में कहीं यज्ञ में बैठे हैं। जन्मेजय बहुत यज्ञ करते थे। परीक्षित महाराज के चार पुत्र उत्पन्न हुए, उन चार पुत्रों में जन्मेजय प्रधान है, सबसे बड़े हैं और राज्य के अधिकारी। श्री जन्मेजय उनके कुल पुरोहित हैं श्री जैमुनि ऋषि, और जैमुनि ऋषि के साथ में वे शास्त्रार्थ कर माने कहीं सत्संग करने के लिए बैठे हैं। जैमुनि ऋषि बहुत बड़े विद्वान हैं, विशेष रूप से श्री जैमुनि मीमांसा शास्त्र के मूल आचार्य थे, परंतु भक्ति शास्त्र के भी बहुत बड़े आचार्य होकर के विराजमान हैं। छह दर्शन हैं, न्याय न्याय के आचार्य हैं गौतम, मीमांसा मीमांसा के आचार्य हैं जैमुनि, सांख्य उनके आचार्य हैं श्री कपिल, चौथा जो आस्तिक दर्शन है वो है वैशेषिक, वैशेषिक के आचार्य हैं महर्षि कणाद, फिर न्याय पांचवा दर्शन है न्याय आस्तिक दर्शनों में, न्याय के आचार्य हैं पतंजलि, और छठा दर्शन है वेदांत जो सबसे मूर्धन्य होकर के विराजमान, और उस वेदांत के आचार्य हैं भगवान ऋषि वेदव्यास। तो जैमुनि ऋषि भले कर्मकांड के मीमांसा के धर्मशास्त्र के आचार्य हैं, परंतु तो फिर भी परम परम भागवत होकर के विराजमान हैं, क्योंकि भक्ति के बिना तो कोई काम चलती नहीं है। तो अपने कुल पुरोहित श्री जैमुनि ऋषि के साथ में ये विराजमान है, और सत्यम तत्शास्त्र वर्गार्थ सार संग्रह दुर्लभ। एक बार जन्मेजय ने श्री जैमुनि ऋषि से पूछा कि हमारा शास्त्र वर्ग का संग्रह दुर्लभ संग्रह, उसको मेरे पिता ने अपनी मां के सामने कहा था, कृपा करके उस सार को मेरे सामने बता दीजिए, श्रीमद् भागवत का जो निचोड़ है वो आप मेरे सामने बता दीजिए, ये प्रार्थना की। श्रीमद् भागवतामोह पीयूषम इदम आपिवन न तृप्यामि, श्रीमद् भागवत के सार का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। तन मुखामोज वासितम, और वो भी आपके मुख से प्रकट हो रहा है। तन मात पुत्री और विद्वान संवादक कथ्यताम तयो हो, माता पुत्र माने उत्तरा माता और श्री परीक्षित के बीच में जो संवाद हुआ उनका आप मेरे सामने वर्णन कर रहे। श्री जन्मेजय परीक्षित के पुत्र ये अपने कुल पुरोहित श्री जैमुनि ऋषि से पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज का अपनी मां उत्तरा के साथ में जो संवाद हुआ उसका मेरे सामने वर्णन करें। सुधा सारमयोन्योपि कृष्ण पादाब्ज लुब्धयो, ये सुधा सारमय है, अमृत का सारमय है श्री कृष्ण पादाब्ज लुब्ध, परीक्षित भी मेरे पिता भी वे भी कृष्ण पादाब्ज लुब्ध रहे, और श्री उत्तरा जी भी कृष्ण चरणारविंद की अपूर्व प्रीति करने वाली, तो माता बेटा के मैया बेटा के बीच में जो परम दिव्य संवाद हुआ जिसमें श्रीमद् भागवत का सार आएगा, उस सार का आप हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं, कैसे उस परम दिव्य राधा प्रेम को प्राप्त का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है, राधा प्रेम का आस्वादन हमको कैसे मिल सकता है, राधिका तो हम नहीं बन सकते हैं पर उस प्रेम का आस्वादन कैसे मिल सकता है, इसकी जो पद्धति है उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे श्री गोप कुमार के चरित्र के द्वारा, गोप कुमार हजार घाट का पानी पी करके बड़े अंत में बड़े तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए फिर अंत में श्री राधिका दासी इसको स्वीकार करते हुए विराजमान होते हैं। यहां पर किसी दूसरे शास्त्र की निंदा करना ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पुराना एक नियम है कि नहीं निंदा निंदेम निंदे तुम प्रवर्तते स्वमतम स्थापय तुम, जब भी कोई निंदा की जाती है तो किसी निंदे की निंदा करने के लिए निंदा का प्रयोजन नहीं है, निंदा का प्रयोजन अपने मत की स्थापना करना ही होता है, तो भक्ति मत की स्थापना करना इसके लिए
इस चरित्र को मैं श्रवण करना चाहता हूं अपने भीतर निष्ठा को धारण करने के लिए। ये चरित्र आगे शुरू करेंगे, कल एक दिन विश्राम रहेगा, माने ये इस समय माने ये सेवा केवल एक दिन के लिए, तो मुझे कहीं दूसरे की सेवा में कल जाना है और समय वही आ गया है, इसलिए कल एक दिन का थोड़ा सा क्षमा मांगेंगे। फिर मैंने परसों से इसको आज प्रारंभ कर दिया है, परसों से थोड़ा है इसको कल टोपी कुंज में जाना है, तो पुरानी सेवा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि श्रीताय गौर हरि गोविंद।